हल्द्वानी के भनमुलपुरा में हुई 8 फरवरी को आगजनी और दंगों के बाद आज जाकर मामला शांत होने पर मीडिया को भनमुलपुरा में जाने की इजाजत मिली, जहां हमारी संवाददाता अंजलि पंत द्वारा साहस दिखाते हुए भनमुलपुरा में जाकर लोगों की प्रतिक्रिया जानी। आप भी देखें क्या कुछ कहा भनमुलपुरा के लोगों ने। जो उस दिन की घटना है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और जो दोषी हैं उनको हम सख्त से सख्त कार्रवाई दिलाने का प्रयास करेंगे और जो लोग यहाँ पर बेकसूर हैं उनके लिए हम सरकार से, जो हमारे शासन के लोग हैं वो हमारा फुल सहयोग कर रहे हैं। हम उनसे भी यही विनती करेंगे हाथ जोड़ के कि जो लोग बेकसूर हैं उनको बिल्कुल बाइज्जत बरी करा जाए। तो जो भी रहा होगा, मैं उस समय मौके पर नहीं था, लेकिन अभी की स्थिति पूरी सामान्य है और प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से इस क्षेत्र की मदद की है और मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो और जिन लोगों ने ये गलती की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे पत्रकार बंधुओं पर हमले हुए हैं, हमारी पुलिस प्रशासन पर हमले हुए हैं। जिन लोगों ने ये सब कदम उठाए हैं उनके साथ किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मलिक से मैं जानता नहीं, ठीक से फेस से भी नहीं जानता हूँ, वैसे भी नहीं जानता हूँ, लेकिन जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। शहर में पहली बार हुआ है और जितनी हम निंदा करें इसकी वो कम है। आपका नाम? मेरा नाम जियाउद्दीन कुरैशी, मैं प्रभारी हूँ लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर भारतीय जनता पार्टी का। इस्माइल गेट पे आप इंक्वायरी कर लीजिए और जिस टाइम पे ये हुआ घटना हम बिल्कुल नहीं थे, आप यकीन करिए। हमारे गाड़ी वाले भी अभी मौजूद है। जो आपका पहुंचे फिर क्या देखा? हमने जो इमाम गए नहीं साहब। आप यहाँ कब पहुंचे? यहाँ तो हम करीब 6 बजे पहुंचे। फिर क्या देखा आपने? क्या ना ना हम गए नहीं यहाँ से, तो क्या देखा? कर्फ्यू लग गया था क्या था? ना ना उस टाइम पे कर्फ्यू नहीं, खाली भागा दौड़ी थी, खाली भागा दौड़ी हो रही थी, बस भागो भागो और कुछ आवाज। ये हम कैसे बता सकते हैं? प्रशासन अब यहाँ राहत सामग्री आपको पहुंचा रहा है? जी हाँ जी हाँ जी। देखिए प्रशासन से, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स से कोई शिकायत नहीं है हमें, पानी बत्ती सब टाइम से है, लेकिन जो राशन मिल गया थोड़ा सा महंगा है सर। अरे ठीक है, तो जो लोग थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए साहब, बिल्कुल 100% होनी चाहिए, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। कह रहे अब्दुल मलिक का नाम आ रहा है, हो सकता है साहब वो बगीचा उन्हीं के नाम से अलाउड है वो। अच्छा जी, उन्होंने बेचा है? सुनने में तो ये आता की चीज़ आप लोग उपलब्ध करा रहे हो। देखिए जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि एक ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में कर्फ्यू अभी चल रहा था और उसमें अगले दिन से ही दूध राशन, क्योंकि लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो दूध राशन गैस सब्जी फल सभी जो जरूरी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनको मौके पर ही जाकर घर घर उपलब्ध कराया जा रहा है। हम लोग किसी एक कोने में जाकर जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, लोगों को अंदर सूचना देते हैं कि भाई आप लोगों को जो सामान अपने ज़रूरत का लेना है वो आप आएँ और अपना सामान ले लें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, यहाँ पर मेडिकल स्टोर और अस्पताल भी खुलवा दिए गए थे उसी दिन से। जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए तत्काल उनको मौके पर ही पास जारी किए जा रहे हैं, एक स्टाफ थाने पर बैठा हुआ है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हम लोग खड़े हो रहे हैं, जिसको अगर कोई किसी की बहुत ही ज़रूरी कोई आवश्यकता है जिसके लिए उसको तत्काल बाहर जाने की ज़रूरत है, उसको कहीं अपना परीक्षण करवाना है, कहीं उसका अपॉइंटमेंट किसी डॉक्टर के यहाँ है, तो सभी व्यवस्थाएँ मौके पर की जा रही है। मैम उस दिन आप भी थे और कल आपने कुछ लोगों से बात की, क्या कह रहे लोग उस दिन दंगे के दौरान की घटना हो रही? देखिए अभी ये जो घटनाक्रम है, जब उसमें हम लोग उस घटना स्थल पर उसके आसपास के एरिया में जा रहे हैं, तो इन लोगों का सभी महिलाओं का इनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है और इसमें ये लोग कहाँ से आए थे, कोई गुच्छा बहड़ी कहता है, कोई कुछ कह रहा है कि ये किराएदार थे, बाहर से आए हुए लोग थे, हमें जानकारी नहीं है। हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं क्योंकि ये निश्चित ही बहुत गलत हुआ है, सभी ने अपनी आँखों से देखा है कि उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ था, तो वो सभी इसकी निंदा कर रहे हैं। गाँव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर। आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज़, खबर वही जो है सच सही।